गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट, क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए आज का ये वीडियो है। आइए देखिए, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त करना। इसमें जैसे हम मान लेते हैं, संयुक्त माने होता है दो, तो दो लेंस की फोकस दूरी अगर हम पास रख के उसके कोई सामने वस्तु रखी जाती है तो उसके लिए सूत्र क्या होगा संयुक्त फोकस दूरी का, वो हमको प्राप्त करना है। आइए देखिए, मान लेते हैं एक L1 लेंस है, ये उत्तल लेंस है और इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी गई है। बिंदु O से एक किरण आएगी और लेंस से अपवर्तन के बाद उसका इमेज बनाएगा। तो यहाँ से मान लेते हैं एक वस्तु किरण आई और जैसे ही लेंस से अपवर्तन के बाद इसका इमेज आई डैश पर बना रही है, ये पॉइंट आपका हो गया आई डैश। इसमें आई डैश पर जो इमेज बन रही है, अब हमको ज्ञात करना है संयुक्त। इसकी दूरी मान लेते हैं, यहाँ से इसकी दूरी हो जाएगी यू यहाँ से, और इसकी दूरी यहाँ इसी लेंस से कितनी हो जाएगी, इसकी दूरी हम मान लेते हैं बी डैश, ये हो जाएगी बी डैश। अब हम संयुक्त लेंस माने एक लेंस और ले आते हैं इसके बगल में, यहीं पास ही में एक लेंस और रखते हैं, ये भी आपका उत्तल लेंस है, दोनों उत्तल लेंस रखा जा रहा है। ये देखिए, ये आपका दूसरा लेंस L2 है, इसकी फोकस दूरी F2 मानी जाएगी। ये जो दूसरा लेंस हमने यहाँ रखा, ये इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य ये इमेज आई डैश करेगा और उसका इमेज ये फिर जो है यहाँ से किरण आएगी और फिर यहाँ पर इसका इमेज बनाएगा आई पर। इससे एक बार आप देख लीजिए, यहाँ से ये इमेज जो फाइनल बन रहा है वो इसकी दूरी कितनी है वी मान लेते हैं। आइए देखिए, यहाँ से इसको हम डैश डैश लाइन खींचेंगे क्योंकि हमने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। ये फाइनल ये दे जाए यहाँ से, फिर यहाँ पर बन रही है। तो फिर से एक बार आप समझ लीजिए इस फिगर को। पहले हमने एक लेंस L1 रखा, ये बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बना, इसी के बगल में तुरंत हमने एक L2 दूसरा लेंस रखा, इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य I डैश करता है और इसका इमेज I पर बनता है, ये आपको याद करना है। अब यहाँ से हम सूत्र प्राप्त करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, माना L1 की फोकस दूरी F1, L2 की फोकस दूरी F2 हो जाएगी। तो हम पहले L1 लेंस के लिए सूत्र लगाते हैं, L1 के लिए लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र क्या होगा, ये आपको पता होगा, 1/F1 और 1/V। तो V कहाँ पे बन रहा है, इसका इमेज V डैश और माइनस 1/ वस्तु की दूरी होती है U। तो लेंस का जो फार्मूला है आप ये समझ लीजिए, लेंस का जो फार्मूला होता है 1/F उत्तल लेंस के लिए चाहे अवतल लेंस के लिए, 1/V माइनस 1/U, ये सूत्र होता है। फोकस दूरी ये प्रतिबिंब की दूरी होती है और ये वस्तु की दूरी होती है, यह सूत्र है उत्तल या अवतल लेंस के लिए, ये फार्मूला है। तो हम यहाँ इस उत्तल लेंस के लिए हमने ये लगाया, पहले 1/F1 इसकी फोकस दूरी F1 मानी गई है, 1/B डैश इमेज इसके द्वारा बी डैश पर बनता है और वस्तु की दूरी यहाँ से u मानी गई है, ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा फर्स्ट। इसी तरह से L2 के लिए लेंस का सूत्र लगा देते हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए होगा इसकी फोकस दूरी F2 है, तो 1/F2 इजकल टू प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी इसके लिए है V, दूसरे के लिए प्रतिबिंब बन रहा है V पर, माइनस वस्तु,
इसके लिए वस्तु का कार्य वी डैश कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1/v-, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। बहुत ही आसान इक्वेशन है और बहुत ही सरल है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो समीकरण समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे यहाँ पर तो मिलेगा क्या हमको, 1/f1 + 1/f2, और इस साइड में हो जाएगा 1/b-1/u और प्लस 1/b-1/b-1/b-b- से कैंसिल, 1/f1 + 1/f2 = 1/b-1/u। यदि हम इसकी संयुक्त फोकस दूरी f मान लें तो ये भी एक लेंस का सूत्र आया परिणामी, तो दोनों के लिए हम ये लिख सकते हैं, यहाँ f जो है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी मान लेते हैं। तो इसके अनुसार हम इस इक्वेशन से यहाँ इस लेंस के सूत्र से लिखा जा सकता है, यहाँ लेंस के सूत्र से, तो इसमें जो लेंस का सूत्र होगा वो हो जाएगा यहाँ से 1/f1 + 1/f2 = 1/f। f क्या है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। ये दोनों लेंस के लिए अगर हम ये फार्मूला लगाएं जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f है तो ये सूत्र लिख सकते हैं। तो 1/f इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 1/f हो जाएगा, 1/f1 + 1/f2 = 1/f। आइए देखते हैं फिर यहाँ से इस फार्मूले को लेंस की क्षमता के रूप में लिखें। तो लेंस की क्षमता के लिए अगर लिखा जाए, लेंस की क्षमता, तो क्षमता के लिए जैसे आपको पता है फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, तो ये हो जाएगा P1 और प्लस ये P2 और परिणामी यानी दोनों की संयुक्त लेंस की क्षमता हो जाएगी P। ये हमारा सूत्र हो गया, संयुक्त लेंस की क्षमता का फार्मूला हो गया। ये संयुक्त लेंस की क्षमता का सूत्र है, इससे आंकिक प्रश्न लगाए जाएंगे और दिया भी है। आइए देखें यहाँ पे जो हमने फाइनल लेंस का संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला प्राप्त किया, उस फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, f = f1 + f2 / f1 + f2। यहाँ यदि हम जैसे लिखें, इसके कंडीशन क्या है, यदि पहला लेंस उत्तल, एक लेंस L1 उत्तल और L2 अवतल है, L2 अवतल है, तो L1 की फोकस दूरी पॉजिटिव और L2 की फोकस दूरी नेगेटिव होगी। तो यहाँ ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, F1 F2 के लिए हम लिखें अगर इसमें इस फार्मूले में, तो F2 का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो इसमें इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे आंकिक में, F1 की वैल्यू F1 F2 और यहाँ पर F2 की वैल्यू रखेंगे नेगेटिव और उस आंकिक प्रश्न को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये इस तरह से दिया हुआ है आपके न्यूमेरिकल में, आइए देखते हैं जब दूसरा लेंस F2 यहाँ पे होगा तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको आगे स्टेप में, 1/f1 - 1/f2, जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला आया था। यदि हम दूसरा लेंस मान लें अवतल है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो इसको हम इस तरह से भी लिखें, तो इस तरह से लिखेंगे तो 1/f ये हो जाएगा F2 - F1 / F1 F2 और F = क्या हो जाएगा, F1 F2 और F2 - F1। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसा कि ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये दूसरा लेंस क्या है, अवतल है, तो पहला लेंस हमने उत्तल लिया और दूसरा लेंस इसी के बगल में हमने एक अवतल लेंस रखा, तो ये अवतल लेंस जब रखेंगे तो इसके संयुक्त फोकस दूरी जो ज्ञात करनी होगी हम इस फार्मूले से ज्ञात कर लेंगे। आइए देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है,
अगर मान लेते हैं इसके कंडीशन बंद हैं तो कौन कौन से कंडीशन हैं। यदि एफ टू का मान जो है, एफ टू का मान किससे अधिक है, एफ वन से। एफ टू का मान, यहाँ ये निगेटिव आया था, एफ टू का मान अधिक है एफ वन से, तो संयुक्त फोकस दूरी क्या हो जाएगी। संयुक्त फोकस दूरी यानी एफ का मान किस में आएगा, धनात्मक होगा। एफ का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो जो संयुक्त लेंस होगा वो कैसा व्यवहार करेगा, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगी, धनात्मक। अतः उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो इस तरह से हम आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, एफ टू का मान जब एफ वन से कम है। एफ टू का मान जब एफ वन से कम हो जाएगा तो परिणामी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो एफ का मान ऋणात्मक आ जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और संयुक्त जो लेंस होगा, संयुक्त लेंस जो हमारा कैसा व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ये किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। यह थर्ड कंडीशन इसमें देख लेते हैं, यदि एफ वन बराबर एफ टू हो जाए इसमें तब क्या होगा। तो एफ वन बराबर एफ टू तो ये जीरो हो जाएगा, और जब जीरो से इसमें तो एफ की वैल्यू आ जाएगी अनंत। हर समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि समतल प्लेट की फोकस दूरी अनंत होती है। तो यदि हम दोनों एक ही फोकस दूरी के लेंस रखें, एक उत्तल और एक अवतल, तो यहाँ पर एफ की वैल्यू अनंत आएगी। और अनंत किसकी फोकस दूरी होती है, समतल प्लेट। तो ये जो है एक समतल समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। समतल कांच की प्लेट जो होती है, समतल कांच की जो प्लेट होती है उसी की तरह ये व्यवहार करेगा। थैंक यू। अब नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे।